तो हेलो शिव के व्यूअर्स, अगर आपने शज़ाम 1 देख रखी है तो गुरु डेफिनेटली आपको शज़ाम 2 भी जरूर पसंद आने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोगों को एक्शन कॉमेडी मूवीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। शज़ाम 1 में जितना भी एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिला था बिली बैटसन से लेकर के उसकी पूरी फैमिली का, वो सारा का सारा मिर्च मसाला हमें वापस से शज़ाम 2 में देखने वाला है। तो डेफिनेटली ये मूवी आपको फुल्ली एंटरटेन करेगी। जब आप थिएटर में बैठ करके देखोगे इस मूवी को तो आपका टाइम कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और जब आप मूवी देख करके निकलोगे तो आप यही सोचोगे कि भाई मूवी खत्म क्यों हो गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो कॉमिक सीक्वेंस चलता है, जो मजा आता है, जो कॉमेडी चलती है और उसके साथ में जो एक्शन सीक्वेंस है, भाई साहब $1 मिलियन खर्चा हुआ तो डेफिनेटली हमें दिखता है उसके VFX में कि काम हुआ है। तो गुरु बात करें अगर स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा खास नहीं है जो हमें कुछ देखने को मिले बोले ओ वाओ, कुछ ऐसा देखने को मिल गया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसा जैसा हमें ट्रेलर में देखने को मिला था कुछ कुछ स्टोरी सेम सेम है, हाँ बट बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको प्लॉट ऐसे दिखने वाले हैं जिस प्लॉट में आप कहोगे हाँ भाई इसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और कहीं ना कहीं मूवी में वो जो प्लॉट है वो आपको इस मूवी में हर जगह बांध के रखते हैं। मगर कहीं ना कहीं जब आप इस मूवी को देख रहे होगे तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, तो शायद आपके दिमाग में भी आएगा कि शज़ाम का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो गुरु उसके डायरेक्टर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि शज़ाम का फ्यूचर क्या होने वाला है, शज़ाम 2 के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें बताएंगे। तो गुरु अगर आप चाहते हो कि शज़ाम फ्यूचर में हमें दिखे तो डेफिनेटली आप इस मूवी को जाकर के थिएटर में वॉच करें, वहीं पर आपको इसका असली मजा देखने को मिलेगा और वो जो कॉमेडी देखने को मिलती है वो डेफिनेटली आपको मजा देगी। और कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या मैं इसको किसी दूसरे के साथ में देख सकता हूँ जिसको DC के बारे में जानकारी नहीं, तो डेफिनेटली आप उसको केवल शज़ाम 1 दिखा दो, शज़ाम 2 स्टोरी उसी से कनेक्ट होती है, आपको DC की कोई भी मूवी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन वो रेफरेंसेस अगर आप इग्नोर भी कर देते हो तो भाई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका प्लान है इस वीकेंड में फैमिली के साथ में कोई एक्शन कॉमेडी मूवी देखने का, तो डेफिनेटली भाई ये मूवी देखना आपको मजा आएगी और बच्चों को खासकर बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है। मुझे पर्सनली मूवी बहुत अच्छी लगी, स्टोरी लाइन कुछ खास नहीं थी लेकिन मगर डेफिनेटली मूवी मुझे एंटरटेन करती है। और अगर जिंदगी में चाहिए क्या, मूवी देखने जाओ तो एंटरटेनमेंट भरपूर होना चाहिए, डेफिनेटली हमें एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। और इसी के साथ में मूवी में हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं और 1 केमियो, तो गुरु उसको देखना मत भूलना, मस्ट वॉच है। क्या नहीं देखी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिव्यू के साथ में, टिल देन शिव का रिव्यू, बाय बाय।